हजारीबाग इंद्रपुरी चौक स्थित सिटी लाइफ केयर हॉस्पिटल रविवार शाम से ही सोशल मीडिया में चर्चा का विषय बना हुआ है। बड़कागांव चंदौली गांव के शिवदेव प्रजापति के 18 वर्ष पुत्र रविंद्र प्रजापति को पेट में दर्द की शिकायत थी, जिसके इलाज के लिए परिजन उसे हजारीबाग ले आए। बड़कागांव का रहने वाला शाहिद से परिजनों की जान पहचान थी। लोगों ने बताया कि शाहिद के कहने पर सिटी लाइफ केयर हॉस्पिटल में मरीज को भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। परिजनों ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टर द्वारा गलत दवा देने से मृत्यु हुई है, जिसका जायजा लिया हर्षित टीवी ब्यूरो चीफ प्रदीप पाठक ने। मृतक के भाई एवं परिजनों से बात की, थाना प्रभारी अरविंद कुमार सिंह से घटना के बारे में जानकारी ली, साथ साथ सिटी लाइफ केयर हॉस्पिटल के संचालक से बात की। सभी ने अपनी बातों को रखा, लेकिन मृतक के परिजनों ने थाने में आवेदन नहीं दिया था, जिसके कारण कार्रवाई भी नहीं हुई। बताया जाता है कि दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हुआ है। आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। सिटी लाइफ केयर हॉस्पिटल में घटना घटी है कल शाम तक, और अभी तक बच्चे की लाश पड़ी है हॉस्पिटल में और देखने वाला कोई नहीं, ना समाज सेवी कोई पहुंचे और ना ही यहाँ के प्रशासन हरकत में अभी तक आई है ना। और पूरे मैं बता दूं कि पूरे बिल्डिंग खाली है। ऐसे में इन लोग का इल्जाम है कि गलत दवा देकर के बच्चे को मार दिया गया। अब हम बात करना चाहते हैं, यहाँ कुछ लोग हैं। क्या परिचय हुआ आपका? कहाँ से आए हैं? घर चंदौल पड़ता है, बड़का गाँव। यहाँ जो घटना हुई, कौन कैसे क्या हुआ, कौन घटना हुआ? हाँ, कल तो बोल रहे के हैं आप? पिताजी हैं। देखिए, ये जो घटना हुई, जो लड़का का मृत्यु हुआ है, उनके पिता हैं, ये बोलने की स्थिति में नहीं है। ऐसे में इनके साथ हैं, आप कौन लगते हैं? लड़का को बड़ा भाई है। बड़ा भाई है। हाँ। क्या घटना हुआ? घटना ये हुआ कि यहाँ हम हजारीबाग में लाए भाई को। कैसे आए यहाँ पर? कैसे आए यहाँ पे? शाहिद नाम का चंदौल का निवासी था, वो बोल दिया कि यहाँ पे चलो हम सटीक इलाज करवा देंगे गारंटी पीरियड में, तो यहाँ रांची से डॉक्टर मंगाएंगे दो गो। हम बोले ठीक है, बोलिए कि ऑपरेशन होगा क्या? बोलो नहीं, ऑपरेशन करने का कोई मोहब्बत नहीं आया। क्या बीमारी था? पेट का दर्द था बस। हाँ, पेट का दर्द था, उसमें बोला कि डॉक्टर पास व्हाट्सअप कर दिए। कितने बजे जबकि दर्द उठाई है? दर्द उठाई है 11 बजे के आसपास। कहाँ? चंदौल में। और वहाँ से आप यहाँ हजारीबाग? नहीं, यहाँ बड़के हजारीबाग से दर्द उठी है, अल्ट्रासाउंड के सामने। कौन सा अल्ट्रासाउंड? अल्ट्रासाउंड है आपका शिवम। कहाँ पर? हाँ, कहाँ पर है? छठ तालाब के पास। वहाँ से अल्ट्रासाउंड शाहिद ने करवा दिए कि वेरीफाई यहाँ से ठीक रिपोर्ट मिलता है। हम बोले चलिए ठीक है। और भी जो बात आई कि हम यहाँ ऑपरेशन है, तो बोले कि नहीं, फिर अतरी में पानी आ गया है। हम बोले अतरी में पानी आ गया तो दवा से हो पाएगा कि ऑपरेशन? तो बोला कि नहीं, दवा से मैं ठीक कर दूँगा। हम लगे डॉक्टर, हम बोले कि दवा से नहीं ठीक होगा तो आप ऑपरेशन खोलिए। तो बोले नहीं, हम दवा से ठीक कर देंगे। हम बोले हो जाएगा। उसके बाद डॉक्टर ने बोले कहा कि नहीं हो पाएगा, प्रयास करेंगे तो ठीक है, कहा कि कीमती दवा चलवाएंगे। अब दवा चलवाते कि पीरियड में, अब वो हमको अंदर बुलाएं, हम बोले कि पैसा कुछ जमा करना पड़ेगा। हम बोले क्या जमा करना पड़ेगा? आप ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं कि दवा के लिए बोल रहे हैं? तो बोला नहीं, ये दवा के लिए बोल रहे हैं। तो बोले मेरे पास अभी पैसा नहीं है, 1 घंटा समय दीजिए, हमारे पास 1000 रुपया है, अभी ले लीजिए, उसके बाद 1 घंटे के बाद देंगे। किसने आपको पैसा मांगा था, उसका नाम बताइए। अब जो है दोनों में, शाहिद और गुलाब, हम देखिए MB में बात हुई, क्या क्या बात हुई हमको पता मालूम नहीं है। फोन के माध्यम पैसा जमा किए? जमा मैं स्नेते इंद्रपुरी की बगल में आ गई, हमारे तो पैसा लेकर डॉक्टर साहब जा रहे थे, बोले का पैसा व्यवस्था हो गया। बोले हाँ सर, पैसा व्यवस्था हो गया, डॉक्टर को मंगाइए। तो बोला ठीक है, 10 मिनट के अंदर मैं डॉक्टर बोला था, पैसा दो जल्दी, क्या कि मर्जी जल्दी में हम हैं, क्या कि देख लें पेशेंट को। हम बोले पैसा लीजिए और आप निकल जाइए जल्दी और आइए। अब यहाँ पर पैसा दिए, हम बोले कि रिसीविंग दीजिए। तो बोला क्या रिसीविंग? हॉस्पिटल चलो, हम डॉक्टर लेकर आते हैं, रिसीविंग भी दे देंगे तुमको, क्या खर्चा नहीं है सर। हम बोले ठीक है सर। तो बोला विश्वास करो। हम बोले चलिए विश्वास करें, मेरा पेशेंट वहाँ तो सही करना ही पड़ेगा। पैसा दिए, अब वो फरार हो गया। कितना पैसा दिए? 1.5 लाख रुपया पैसा वहाँ दिए। 1.5 लाख लिया गया आपसे? और कौन दवा दिया यहाँ आपको तो मालूम नहीं है? यहाँ पे जो दवा मेडिसिन जो दिया है उसका एथी है, चाहे लिखा हुआ है। दवा देने के बाद कितने देर में मौत हुई? दवा देने के बाद हम नर्स को बोले कि जो दवा दे रहे हैं
मेरा पेशेंट पूरा गंभीर हो चुका है, आप दवा रोक दीजिए। तो आप कैसे जानते हैं, देखिए कुछ होगा सर, सर बोले हमको दवा देने के लिए जो पाँच मिनट के देखिए बाद हम दवा दें। अब वो लगा से दो दो दवा डाल दी। अब मेरा भाई जो है छटपटाने लगा, आँख उलटाने लगा। उसी पीरियड में पहुँचे सर और उसी में शाहिद भी पहुँचे। शाहिद पहुँचे, दोनों सर और शाहिद पहुँचे। उसका शाहिद बोले कि मेरा पेशेंट क्या हो गया आप बताइए। तो वो बोला कि डॉक्टर आए, बोले कि रेफ़र कर देता हूँ। तो रेफ़र बोले कि जब पेशेंट मर गया तो आप रेफ़र क्या कीजिएगा। तो शाहिद ने अपने पेशेंट को उठाया, बोला कि दूसरा हॉस्पिटल में लेता हूँ। अब बोले कि जब पेशेंट मर चुका तो आप लेके क्या पाइएगा। तो यहाँ निकालते निकालते जब मर गया, बोले आप रिटर्निंग आप अपना हॉस्पिटल में लीजिए। ले गया आप हॉस्पिटल में, चढ़ते चढ़ाए भाई को, डॉक्टर फरार हो। तो आपका कहना क्या है, क्या कहना चाहते हैं? हमारा कहना है कि आप लोग से हम सहयोग ले लेना चाहते हैं कि आप क्या हम कर... क्या करना है, क्या बोलना चाहते हैं? डॉक्टर ने अपने स्तरीय से मेरा पेशेंट को जान ले लिया। डॉक्टर और इलाज करते पीरियड में हम मना किया, देखिए बोले कि नहीं होता है तो आप रेफर कर दीजिए। बोला नहीं, यहीं पर ठीक हो जाएगा, कहीं जाने का जरूरी नहीं है। यहीं पर जो इंजेक्शन लगाते पेशेंट को जान ले लिया। तो ये उनके भाई हैं बड़े, और क्या नाम हुआ? मेरा नाम है संजय प्रजापति। संजय प्रजापति ये इल्जाम लगा रहे हैं कि ये जो सिटी लाइफ केयर हॉस्पिटल है, इन्होंने बरगला के दलालों के थ्रू बुलाया और बुला करके और मेरे भाई को जान भी मारा और 1.5 लाख रुपया लिया। हजारीबाग इंद्रपुरी चौक के पास सिटी लाइफ हॉस्पिटल है, जहां पर बड़का गांव का एक मरीज इलाज कराने आया, उसका मौत हो गई। इस मामले में पूरे ड्रामा हो रहे हैं हजारीबाग में, और इस ड्रामा के कड़ी को जानने के लिए मैं लोकसिंगना थाना पहुँचा हूँ और अभी थाना प्रभारी से बात कर रहा हूँ। इस मामले में आपने रात में वहाँ गए, आप गए थे यार, क्या जानकारी? पहले सुनो तो हॉस्पिटल इलाज किया जा रहा था, उसी दौरान उसकी मृत्यु हुई है। और डॉक्टर का कहना था कि ये जो जब मरीज आया तो ये रेफर करने की भी स्थिति नहीं थी। तो हम बोले कि पानी उन्हें चढ़ा देते हैं, उसी दौरान उनकी मृत्यु। सुबह तक परिजन लोग वहाँ पर, बाहर सारे मीडिया भी थे, अपने बात को रख रहे थे और पूरे फेसबुक या सोशल मीडिया में ये घटना चल रही है। अभी आपके संज्ञान में यहाँ आवेदन दिया गया या नहीं? आवेदन भी नहीं दिया गया है, वो लोग तो परिजन लोग तो लाश लेकर चले, लाश लेकर चले। आपके पास कोई क्लेम नहीं है? नहीं, कोई क्लेम नहीं। परिजन ये लिख करके दिए कि हमको जो है समय हम जो है जो भी घटना हुई है तो हम अपने बच्चों को लाश लेकर के जा रहे हैं और इसमें कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है। अभी थाना प्रभारी को आपने सुना, उन्होंने कहा और सिटी लाइफ हॉस्पिटल के संचालक हैं, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद गुलाम जी, इनसे मैं बात करना चाहूँगा। और ये जो सुबह से फेसबुक सोशल मीडिया पर छाया हुआ मामला है, जो आवाज़ मिली है किसी पर बयान दे रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं सुबह से जो आपका हॉस्पिटल के बारे में बात हो रही है? जो बात हो रही है बिल्कुल क्या मामला? ऐसा कुछ बड़ा मामला नहीं था, पेशेंट एक्चुअली आया था हमारे पास, लेकिन उसको काफ़ी प्रॉब्लम है। तो हमने बोला कि यार हमारे यहाँ इसको रखा नहीं जा सकता है, तो हमने रेफर के लिए उसको आश्वासन दिया, लेकिन उन्होंने हमारा काफ़ी रिक्वेस्ट किया, उसका गाँव के कुछ लोग दोनों ने रिक्वेस्ट किए, हमने उसको कोशिश नहीं किया कि रखे। जांच का इशू था सर, जांच हम लोग करवा रहे थे, जो इंडिकेशन जो हमारा डॉक्टर बताया था कि ये जांच करा लीजिएगा, तो बस उसी का जांच के लिए वो वेट कर रहा था। जांच बोला कि जांच चालू के बाद सर हम लोग चले गए, मतलब जाँच का बीच में उसका पेशेंट क्लियर हो गया, लेकिन वो तो इल्ज़ाम लगाया जनता के सामने, उसमें क्या कहना चाहते हैं? गलत करा दिया, बिल्कुल बिल्कुल गलत है। हमारा थाना प्रभारी लोग गए हुए थे, सी टी वी कंगाले, वो भी साथ उसका कहना था कि पैसा भी दिए हैं, उसका कोई साथ नहीं है सर, और बिल्कुल भी मैं उससे पैसा नहीं लिया हूँ। जांच का पैसा था 1,000 रुपये मार्केट।
तो पता चला कि लाश को भी लेकर के चले गए जी। हम लोग लाश को लेकर चले गए आगे। इस पर कैसा आपको लगा, इस तरह का प्रॉब लोग करते हैं तो कैसा लगा सर? तो बहुत बुरा लगा, अच्छा तो लगने वाली चीज़ है क्योंकि आपकी बदनामी बड़ी होगी। हम लोग भी बहुत मेहनत करते हैं पेशेंट के लिए, ऐसा नहीं, पेशेंट को अपना परिवार के जैसा ट्रीट करते हैं, उसको सेवा करते हैं। हम लोग हमारी जो स्टाफ लोग हैं जो एनएम है वो लोग काफ़ी प्यार से हम लोग को ट्रीटमेंट करते हैं और लाश को लेकर के वो चले गए। तो अभी आप लसुन्ना थाना में हैं तो यहाँ पर भी लोग आए थे क्या ट्रिक के लिए? लसुन्ना थाना में आए थे और हमने रिपोर्ट भी दिया कि हमारे तरफ से जो हॉस्पिटल में जो कानूनी दवाई नहीं किया जाए, कानूनी कार्रवाई का मतलब इसी टाइप से। तो आप देख रहे हैं आवाज़ डेली हस्ती टीवी पर, सुबह से मैंने कवरेज किया, सुबह परिजनों ने पूरा गंभीर आरोप लगाया था, थाने प्रभारी रात में भी गए थे, उनका भी आपने वाइट सुना और संचालक का भी सुना। और अब आप दर्शकों पर मैं छोड़ता हूँ कौन गलत और कौन सही। आवाज़ डेली हस्ती टीवी से मैं प्रदीप पाठक।